बढ़ते आगे, नोएडा में रहने वाले लोगों को एक खास सौगात मिलने जा रही है। नोएडा में एक नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक बनाया जाएगा। इससे नई मेट्रो लाइन पर 10 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नया कॉरिडोर एनएमआरसी एक्वा लाइन और डीएमआरसी को सेक्टर 61 पर जोड़ेगा। एनएमआरसी की बोर्ड बैठक में नए मेट्रो कॉरिडोर के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 2,991 करोड़ रुपए की लागत से 17.435 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि यह कितनी बड़ी सौगात ही नोएडा वासियों के लेने वाली है। नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा सेक्टर 51 से लेकर नॉलेज पार्क 5 तक ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। और अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन तक मेट्रो चलेगी। 17.435 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो का कॉरिडोर होगा। नए मेट्रो लाइन पर 10 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। 2,991 करोड़ रुपए की टोटल लागत आएगी। मेट्रो से 10 लाख लोगों को इसे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। दो चरणों में कॉरिडोर का निर्माण होगा। पहले चरण में 9.15 किलोमीटर निर्माण कार्य होगा और पहले चरण में 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। खबरें लगातार जारी। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का।